राष्ट्रीय सेवा योजना एनसीसी तथा रोवर्स एवं रेंजर्स के सहयोग से सेंट एंड्रयूज कॉलेज के असेंबली हॉल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर साक्षरता जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के शिक्षा संकाय के भूतपूर्व संकाय अध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष बीएड प्रोफेसर प्रतिभा खन्ना ने कहा कि साक्षरता के मामले में हमें अभी बहुत प्रयास करना है। सरकार ने साक्षरता बढ़ाने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया, जिससे बच्चों की साक्षरता उल्लेखनीय प्रगति हुई, किंतु वयस्कों और उनके अभिभावकों को शिक्षित करने की दिशा में सार्थक प्रयास न होने के कारण उन बच्चों में भी शिक्षा के प्रति ललक एवं जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पाई और बीच में ही खासकर बालिकाओं में पढ़ाई छोड़कर काम जारी है। कार्यक्रम में सह समन्वयक डॉक्टर विद्यावती, उप प्राचार्य डॉक्टर SD शर्मा, मुख्य नियंता डॉक्टर VP सिंह, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर JK पांडे, श्रीमती सुनीता, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर JP यादव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रतिभा खन्ना व कार्यक्रम अधिकारी JK पांडे ने कहा, इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है उसको अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए उपयोग करें, नतीजे उनकी जान भी ले सकते हैं। इसलिए हेल्थ इलिटरेसी, मैं स्वयं डायबिटिक हूं और इसलिए अक्सर डॉक्टर को दिखाती हूं, लेकिन मैं वहां पे देखती हूं कि जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत से ये मान के चलते हैं कि अगर हमने दवा खा ली तो परहेज करने की कोई जरूरत नहीं। दवा को आपको आप कितना परहेज कर पाते हैं, कितना कंट्रोल कर पाते हैं, उसके आधार पर विचार है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने या तो दवा बंद कर दी या ये मान लिया कि हम जी भर के कुछ भी खा सकते हैं और इसके नतीजे उनकी हेल्थ पर पड़ते हैं। तो इसको हम लोग हेल्थ इलिटरेसी कहते हैं। आप सोच रहे हैं वो ये कैसी इलिटरेसी, इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कितना अल्प है, उसको आप कहाँ पर बखान कर रहे हैं। एक डॉक्टर के सामने अगर आप अपनी डॉक्टरी झाड़ने लगेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन इलिटरेसी कहलाएगी। मीडिया इलिटरेसी का अनेक उदाहरण है। मीडिया अपना एजेंडा तभी चला पाता है जब आप पढ़े लिखे इलिटरेट उसके सामने होंगे। आप क्रिटिकल एनालिसिस ही नहीं करते, आप ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि मीडिया जो कह रहा है कितना सच है, कितना गलत है, कितनी फेक न्यूज है। आप सब चीज को सच मान के चलते हैं। मेंटल हेल्थ इलिटरेसी ये वहां घातक होती है जहां पर मेंटल इल हेल्थ के परिवारजनों में सिम्टम्स को इंसान नहीं पहचानता और इग्नोर करता है और ये मान के चलता है कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा सितंबर महीना पूरा साक्षरता के लिए समर्पित होता है और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। इसी उपलक्ष्य में चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी है, इसलिए आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है जिसमें यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्रतिभा खन्ना जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और उन्होंने साक्षरता पर बच्चों को ज्ञान देने का काम किया है और उन्होंने ये बताया है कि साक्षरता का महत्व क्या है और ज़िंदगी में बिना साक्षरता के हम अकल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कि साक्षरता तो जिसे हम सामान्य भाषा में सामान्य रूप से मानते हैं कि पढ़ना लिखना आना, वही मात्र साक्षरता नहीं है। आज हमारे पढ़े लिखे निरक्षर हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि वो कितना जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा है मीडिया से और चैनल से उनको कितना प्रोसेस कर पाते हैं अपने मस्तिष्क में। वही साक्षर होंगे जो क्रिटिकल एनालिसिस करके और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके और अपने जीवन में उसका उपयोग करके उसको सफल बना सके। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि ज्ञान को आप जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको आप कैसे प्रोसेस करके ज्ञान में कन्वर्ट कर रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के समाचार चलते हैं सोशल मीडिया पर, अक्सर देखा जाता है तो कुछ फेक न्यूज़ करने
रिसर्च करना तो हमारी मीडिया खुद ही करती रहती है, बताती रहती है कौन फेक है कौन नहीं है। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्रिटिकली एनालाइज करें उसे, क्रिटिकल एनालिसिस के माध्यम से ये लॉजिक, उसके लॉजिक देखकर और समझ कर ये समझें कि क्या सही है क्या गलत है। हर सोशल मीडिया पे आने वाली खबर सही नहीं होती। देखिए बेसिक शिक्षा में एक्सेस उपलब्ध कराना तो काफ़ी हद तक हम सफल हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसमें हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। हमें उसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि केवल बच्चों को विद्यालय ला देना और उनको मिड डे मील देकर उनके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना ही काफ़ी नहीं है। उनको हम समझने काबिल कितना बनाते हैं, पढ़ना तो हम सिखा सकते हैं लेकिन उसको कितना समझते हैं ये ज़रूरी होता है शिक्षा। उच्च शिक्षा में देखा जाए तो टेक्निकल शिक्षा लोग ज़्यादा ले रहे हैं, उच्च शिक्षा टेक्निकल की तरफ ज़्यादा रुझान है। टेक्निकल और प्रोफेशनल की ओर ज़्यादा रुझान है, क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि शिक्षा जीविकोपार्जन के लिए है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जीविकोपार्जन के साथ साथ शिक्षा हमारे जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए ज़रूरी है, तब तक हम केवल टेक्निकल के पीछे ही दौड़ते रहेंगे।